नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस बार हम दशहरा मनाने के लिए अपने ससुराल आए थे। मेरे ससुराल में जो है दशहरा काफ़ी ही बड़े लेवल पर मनाया जाता है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे दशहरा मेला का एक एक दृश्य और मूर्ति विसर्जन का पूरा सीन। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लेके चल। यहाँ पर मेरी सासू माता जो है मेरे लिए खाना बना रही हैं और खाना जो है मेरी सासू माँ बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। हमें तो इंतजार ही नहीं हो रहा था और हम उठा करके खाए जा रहे थे, खुद ही उठा के खाए जा रहे थे। और मेरी मम्मी भी कैसे ही बोल रही है, ये दामाद थोड़ी है, दामाद को एकदम थाली सजा के दिया जाता है, तो मेरे बेटे हैं तो खाने दो। उधर मेरे साली साहब और साली साहिबा आपस में लड़ रहे थे और इधर हम लोग जो है खाने का आनंद ले रहे थे। और मेरी मम्मी मेरे पसंद का कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ पतिदेव के पसंद का बनाई थी। और सिर्फ पसंद का क्या बनाई थी, आलू का भुजिया, जो इनको भी पसंद है, सिर्फ इसलिए। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा नंबर गया, मेरा नंबर चालू हो गया। वो तो हम, मेरी तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। जी ये तो थी मजाक की बात। असल में जिया को भी आलू का भुजिया काफ़ी अच्छा लगता है और हम दोनों का जो खाने का पसंद है लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो माँ ने दोनों के पसंद के हिसाब से बनाया था। मम्मी का पंखा। उस पंखा का हवा अभी हम झेल रहे हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी चूड़ी लेकर के आई थी मेरे लिए, वही चूड़ी दिखा रही थी कि तुमको कौन कौन सा पसंद है, जो भी पसंद है तुम ले लो। हम चूड़ी कभी नहीं खरीदते हैं, जब भी जाते हैं तो मेरी मम्मी चूड़ी सिंदूर मेरे लिए खरीद के रखती है, बहुत सारा वही दे रही है मम्मी मेरी। और इधर जो जिया है अपने बाबा से मेला देखने के लिए पैसे के लिए लड़ाई कर रही है। हर बार बाबा हमें ज़्यादा पैसा देते हैं, सबको तो देते ही, हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो बाबा का अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। इस बार हमको भी सबको जितना दे रहे थे उतना ही दे रहे थे, लेकिन हम बोल रहे थे हमको ज़्यादा चाहिए। फिर जी जब जिया का मैटर सुलझ गया, इसको मुँह मांगा पैसा मिल गया दादाजी से, फिर हम लोग जो है सभी निकल लिए मेला देखने के लिए। वैसे तो हम लोगों को मेला देखने के लिए मिलता नहीं था शादी से पहले, फिर पति देव के कारण सबको मेला देखने का मौका मिल गया। तो धन्यवाद कहो हमें। क्यों बोलो? और धन्यवाद सभी से कहो जिनको मेरी वजह से मेला देखने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। यहाँ पर दादाजी जो है हम लोग को जाते हुए देख रहे हैं। असल में दादाजी जो है कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग घर से बाहर निकले। दादाजी हम लोग की सुरक्षा को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, वह हमेशा कोशिश करते हैं कि ये लोग कहीं नहीं जाए, घर में ही रहे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और जब पतिदेव परमिशन मांगे कि दादाजी मेला जाना है, तो इनको तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हम लोग को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे। और दादाजी जब तक हम लोग नहीं पहुँचते हैं तब तक फोन कर करके परेशान करते रहते हैं कि पहुँचे कि नहीं, पहुँचे कि नहीं। और जब तक पहुँचते नहीं है तब तक चैन से बैठते नहीं। हम सभी यहाँ गांव से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन देखने के लिए। तुम नहीं दिख रही है, इधर दिख रहा है, दिख रही है। तो यहाँ पर पीछे पूरा पलटन है और इधर मेरी साली साहिबा रिया और इधर हमारे मोदी साहब जी। हमें यहाँ से निकलते निकलते ही काफ़ी देर हो गई थी और हम सोच रहे थे कि मूर्ति विसर्जन होने से जल्द हम लोग पहुंच जाए। और मेरी एक सिस्टर है छोटी, उसका भी कॉल बार बार आया जा रहा था, दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, मूर्ति उठ रहा है। तो हमें बार बार लग रहा था कि जो देखने आए कम से कम वो देख ले, छूट ना जाए। आगे तक चल सकता है नहीं तो कोई बात नहीं। एक तो हम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके थे और ऊपर से रास्ते में जाम, पूछिए मत कितना ज्यादा जाम लगा हुआ था। हमने तो उम्मीद खो ही दिया था कि अब हम लोग जो है मूर्ति विसर्जन भी देख पाएंगे, फिर भी हम लोग चल रहे थे कि हम लोग जहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है उससे लगता है एक दो किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए हैं। आगे इतनी ज्यादा भीड़ है, पैदल जाना होगा बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग पैदल चलते हैं वहाँ पर, चलो।
फिर जी हम पैदल ही निकल लिए और जब पैदल निकल रहे थे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए क्योंकि कोई बच्चा खो ना जाए। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे भी बच्चे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था और बार बार माइक पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये बच्चा भटक गया है, आप यहाँ पर आ जाइए, अपने बच्चे को लेकर के जाइए। तो इस लेकर के हम लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर के चल रहे थे। फिर जी जब हम मंदिर पहुँचे तो हम लोग काफ़ी खुश थे भीड़ को देख करके। हम लोग सोच रहे थे कि अभी तक मूर्ति विसर्जन हुआ नहीं होगा, हम लोग टाइम से पहुँच गए, लेकिन जिसका डर था वही हो गया, मूर्ति विसर्जन हो चुका था। जी थोड़ा दिल तो दुख ही गया था कि जिस मूर्ति विसर्जन को देखने के लिए हम कटिहार से भागलपुर आ गए थे वह मूर्ति विसर्जन हम जो है देख नहीं पाए, लेकिन सोचा चलिए इसी बहाने जब आ ही गए हैं तो माता के दर्शन भी कर लेते हैं। और माता के दर्शन के साथ साथ यहाँ जो मेला लगा हुआ था काफ़ी ही अच्छा मेला लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलिए यहाँ मेला भी घूम लेते हैं। और जी मंदिर दर्शन के दौरान हमें यहाँ पर छोटी मिल गई। यह छोटी जिया की रिलेटिव है जो काफी देर से हमारा इंतजार कर रही थी। ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे और पतिदेव को नहीं देखे थे, तो ये इनको देखना भी था और मिलना भी था, तो इनसे जब मिले तो काफी अच्छा लगा। और इनकी वजह से ही हम आपको आगे का व्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मूर्ति विसर्जन नहीं देख पाए, नहीं वीडियो बना पाए, तो इन्होंने बोला आप चिंता मत करो क्योंकि हम सारा वीडियो बना लिए हैं, आपको सारा शेयर कर देंगे। धन्यवाद कहना चाहेंगे इनका, जो इन्हीं की वजह से आपको माँ दुर्गा का मूर्ति विसर्जन हम आपको आगे दिखा पा रहे हैं। तो जी ये देखिए आगे का मूर्ति विसर्जन जो हम खुद कवर नहीं कर पाए और इन छोटी की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो जी कैसा लगा आपको दुर्गा विसर्जन का यह कार्यक्रम, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। किया जाओ उस पर हाँ बिल्कुल बच्चे हैं शुभरा, नहीं जाना है वहाँ रिया और सुभरा चली जाएगी और लक्ष्मी भी चली जाएगी। हाँ आपको कैसा लगा यह मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जो हमारी ससुराल में हुआ था। अब हम लोग घर आ चुके हैं, जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन हम लोग लौट के आ गए, घर में कुछ काम सब भी था तो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते थे, लेकिन सोचे थे कि माँ दुर्गा का जो विसर्जन है उसका कार्यक्रम देखेंगे। वहाँ सुने थे बहुत अच्छे लेवल पर होता है और सच में जब जा करके देखे तो सच में बहुत ही बड़े लेवल पर वहाँ का सेलिब्रेशन देखा हमने। वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।